पंचायत 3 से है मिर्जापुर का कनेक्शन। एनिमल से सामने आया रणबीर कपूर का कातिल लुक। कब रिलीज होगा खलकी का ट्रेलर? अल्लू अर्जुन की सादगी पर फिदा हुए फैंस। हल हो गया जीतू भैया का इक्वेशन। वेल, आज दिन भर क्या है सबसे खास आपको मैं बताऊंगी आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, यू वॉचिंग बज़ूका रिव्यूज और मैं हूँ आपके साथ अलमास सिद्दीकी। पंचायत 3 से है मिर्जापुर 3 का बड़ा कनेक्शन। अली फजल के पोस्ट ने बढ़ाई सोशल मीडिया पर हलचल। पंचायत 3 इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है और पंचायत के बाद फैंस मिर्जापुर के फ्रेंचाइजी के थर्ड पार्ट मिर्जापुर 3 के प्रीमियर की भी तारीख जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और मेकर्स भी फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए समय समय पर कोई ना कोई अपडेट जरूर शेयर किया करते हैं। बीते दिनों सीरीज से अली फजल का एक पोस्टर शेयर किया गया था, वहीं अब एक्टर ने नए पोस्ट से सोशल मीडिया की हलचल काफी ज्यादा बढ़ा दी है। अली फजल ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि पंचायत जरूर देखिए, इसमें मिर्जापुर का क्लू छुपा हुआ है। बस इस पोस्ट के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये क्लू क्या है। महाराज का दमदार ट्रेलर जारी। खतरनाक अंदाज में दिखे विजय सेतुपति। विजय सेतुपति की फिल्म महाराज का ट्रेलर मेकर्स ने जारी कर दिया है। विजय सेतुपति की ये 50वीं फिल्म है। इस फिल्म में विजय खतरनाक अवतार में नजर आ रहे हैं। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में विजय एक बार्बर के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म में उनके साथ अनुराग कश्यप भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। महाराज का डायरेक्शन किया है निथिलन स्वामीनाथ ने। मुंह में सिगरेट, खून से लथपथ टी शर्ट। रणबीर कपूर का खतरनाक लुक देखकर चौंक गए फैंस। पिछले साल रणबीर कपूर ने एनिमल फिल्म से थिएटर्स में एक नई जान डाल दी थी। एनिमल में उन्हें रण विजय के रोल में खूब ज्यादा पसंद किया गया था। उसके दूसरे कैरेक्टर का नाम अजीज हक था। वेल, इन दिनों एनिमल पार्ट 2 को लेकर नई नई अपडेट सामने आ रही है और सेट पर से भी कई अनसीन फोटोज शेयर की जाती हैं। और हाल ही में रणबीर कपूर का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। दरअसल इस तस्वीर में रणबीर कपूर जो है काफी ज्यादा कातिल लुक में दिखाई दे रहे हैं और उनकी टी शर्ट पर कई सारे खून के दाग लगे हुए हैं। उनके मुंह में सिगरेट है और आंखों में इमोशंस छुपे हुए हैं। इसे देखने के बाद से ही एनिमल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। कब रिलीज होगा कल्कि 2898 AD का ट्रेलर? प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है। फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर। फिल्म को रिलीज होने में अभी एक महीने का समय बचा है, ऐसे में फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल्कि बड़े पर्दे पर 27 जून को दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म के ट्रेलर को लेकर कयास लगाना शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर 7 जून को लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसका एनिमेटेड एपिसोड आज से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाला है। अंबानी की प्री वेडिंग में छाया बॉलीवुड। क्रूज से सामने आई सिलेब्स की तस्वीरें। जी हाँ, इन दिनों अंबानी जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और इन दिनों सेकंड प्रीवेडिंग की तैयारी इटली में चल रही है, जिसे देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। और क्रूज पर से बॉलीवुड जगत के कई सितारों की तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ अनन्या पांडे और दूसरी तरफ रणवीर सिंह को वहां देखा गया है। वेल, इस क्रूज पर बॉलीवुड जगत के और भी कई सितारे मौजूद होने वाले हैं। और खबर ये भी सामने आ रही है कि अब की बार रिहाना के बदले शकीरा और कैटी पेरी को भी ऑफर किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और इसके लिए अंबानीज ने उन्हें मोटी रकम भी दी है। हल हो गया जीतू भैया का मैथ्स वाला इक्वेशन। कोटा फैक्ट्री की रिलीज डेट आई सामने। जितेंद्र कुमार OTT प्लेटफॉर्म पर इन दिनों छाए हुए हैं पंचायत की वजह से और पंचायत खत्म ही नहीं हुई थी कि अब उनकी दूसरी वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री को लेकर भी वो लाइमलाइट्स बटोर रहे हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार की कोटा फैक्ट्री बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज में से एक है। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और फैंस तीसरे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब मेकर्स ने फैंस को तोहफा तो दिया है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। दरअसल एक वीडियो मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें जितेंद्र कुमार कुछ इक्वेशन लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो इक्वेशन का जो आंसर होगा हमें सॉल्व करना है और उसका जो आंसर आएगा वो ही इसकी रिलीजिंग डेट होगी। वेल, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट था जो मेकर्स ने हमें रिलीजिंग डेट जानने के लिए दिया है। तो आप भी जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और आपको पता लग जाएगी इसकी रिलीजिंग डेट। तो ये थी दिन भर की तमाम छोटी मोटी खबरें। वेर, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।